हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डे 41 पर पहुंच गए हम 100 डेज ऑफ जे एडवांस की रिवीजन सीरीज में, और आज हम वेक्टर 3D के कुछ अच्छे सवाल करने वाले हैं। तो 10 सिंगल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्टिंग में एक दो सवाल हाइपरबोला के करेंगे, क्योंकि लास्ट टॉपिक वही था, तो उसका रिविजन हो जाएगा, फिर वेक्टर 3D पे आएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन्होंने लिखा है, ऐसे कितने इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे, इंटीग्रल मतलब जिनका एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट इंटीजर है, सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2000 होल स्क्वायर। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे वो इंटीग्रल पॉइंट्स होने चाहिए। तो देखने पे भले ही कोऑर्डिनेट का लग रहा है ये बेसिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, जिसमें काउंटिंग करते हैं केसेस की। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसके बराबर आना चाहिए। अब 2000 का स्क्वायर है, 2000 का फैक्टराइजेशन करेंगे अगर आप, तो ये 2 की पावर 4, 5 की पावर 3 आ जाता है, और ये उसका भी होल स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है, यानी कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ऐसा कुछ, ये बेसिकली आपके पास 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 6 के बराबर आना चाहिए। और इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स बोला है, तो ये दोनों पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकते हैं और नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी दे सकते हैं। तो मैं प्लस वाले सारे केसेस लेकर बाद में डबल कर दूंगा। अब इसके अंदर ध्यान ये रखना पड़ता है ना, कि जैसे मान लो एक्स प्लस वाई बराबर ए है और एक्स माइनस वाई बराबर बी है, तो अगर आप इनको ऐड कर देते हैं तो 2x आ जाता है a प्लस बी। क्योंकि x इंटीजर है तो 2x इवन इंटीजर होता है, मतलब a प्लस बी शुड बी इवन इंटीजर। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी शुड ऑल्सो बी इवन इंटीजर। यानी कि या तो ये दोनों इवन होने चाहिए, या फिर ये दोनों हमारे पास इसके केस के अंदर ऑड होने चाहिए। ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या तो दोनों इवन होंगे या फिर दोनों ही ऑड होंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, टोटल फैक्टर्स जो भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं उनमें से वो केसेस हटा देता हूँ जब एक इवन एक ऑड हो। तो टोटल, जैसे टोटल डिवाइजर्स कितने हैं आपके पास, टोटल डिवाइजर्स हो जाएंगे 8 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 1, क्योंकि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 से 2 की पावर 8 तक ये 9 ऑप्शन है, और 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 से 5 की पावर 6, ये 7 ऑप्शन है। तो टोटल यहाँ से आपके पास जैसे आ रहा है 63। तो अब इनमें से कोई भी एक डिवाइजर अगर आप एक्स प्लस वाई को बना दोगे तो दूसरा डिवाइजर अपने आप एक्स माइनस वाई हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 के जो डिवाइजर है, तो अगर आपने एक डिवाइजर 2 फिक्स कर दिया तो दूसरे वाले को मजबूरी में अपने आप 50 होना पड़ जाता है, तो वो अपने आप फिक्स हो जाता है। बस प्रॉब्लम ये है कि इन 63 वेज में हमें उस चीज का ध्यान रखना है जब एक इवन एक ऑड हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए एक इवन एक ऑड हो जाए। अब ऑड कब होगा, ऑड होने के लिए 2 की पावर 0 ही चाहिए, अगर 2 की कोई दूसरी पावर आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए ऑड होने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑड वाले केसेस के अंदर अपन यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कि 2 की पावर 0 जैसे आपने एक को दे दिया है ना, और बाकी जो भी 2 की सारी पावर्स थी वो ऑटोमेटिकली दूसरे के पास चली जाएगी। तो ये होता है। और उसके अलावा यहाँ पर 6 प्लस 1, 5 की पावर के लिए बांटने के हमारे पास 7 केसेस हैं। तो 2 का हमारे पास जो आता है इसके केस के अंदर वो एक ही केस आता है, लेकिन 5 के 7 केसेस आते हैं। और अगेन ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑड कौन सा है, इवन कौन सा है, या इवन कौन सा है, ऑड कौन सा है। तो उसके अकॉर्डिंग 7 इंटू 2 14 अपन इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से अपन इसको हटा देंगे 63 में से 40, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 49। और जैसा हमने कहा था कि भाई पॉजिटिव जरूरी नहीं है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो वहां से डबल करने पर आपके पास आ जाएगा 98। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो अगर आपने इग्नोर कर दी तो गड़बड़ हो सकती है। तो इसके अंदर हम ए कॉमा बी, बी कॉमा ए टाइप के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बस ये देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि कोई फैक्टर रिपीट हो जाए, मतलब एक्स भी वही सेम हो गया और वाई भी वही सेम हो गया। क्योंकि अगर एक्स भी सेम, एक्स प्लस वाई भी सेम है और एक्स माइनस वाई भी आपका सेम हो गया, तो उसके केस के अंदर गड़बड़ हो सकती है। मतलब एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई अगर बराबर हो गए तो उसके केस में यहाँ पर ऐसा, तो दोनों अगर सेम हो जाएंगे तो मतलब एक ए कॉमा ए है, दूसरा उल्टा करने पर भी ए कॉमा ए, तो आपने 2 बार काउंट कर लिया, तो वो आपको हटाना पड़ेगा, उसको आपने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया। तो क्योंकि ये जैसे परफेक्ट स्क्वायर है, 2 की पावर 8, 5 की पावर 6, तो इसको एक तरीका ऐसा होगा जो रिपीट हो जाएगा, 2 की पावर 4 5 क्यूब इंटू 2 की पावर 4 5 क्यूब। इसमें ये जो दोनों ब्रैकेट आप मल्टीप्लाई करके बना रहे थे 2000 का स्क्वायर, तो ये वाली चीज जो है इसमें 2 बार काउंट हो सकती है। तो आप इसको डबल करने से पहले इसमें ध्यान रखें कि अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो उसको हटाकर फिर डबल करें, अगर रिपीट हो रही है तो। तो पी एंड सी और डिवाइजर का एक अच्छा लॉजिकल सवाल था, कहने को हाइपर बोला था। आगे आते हैं, ये हाइपर बोला का अपना लास्ट सवाल, फिर वेक्टर 3D पे आ जाएंगे। तो इसके अंदर बोल रहा है कि एक्स कॉमा वाई इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेमडा है, और फिर एसिम्प्टोट की बात करिए। तो ये आपको याद होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कि ये सर्कल की इक्वेशन है, इस पर अगर अपन कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसको अपन लिख सकते हैं कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, पोलर फॉर्म हो गए।
तो आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो आप एक्स वाई की जगह कॉस थीटा साइन थीटा रख दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा 4 cos थीटा साइन थीटा, और 4 cos थीटा साइन थीटा को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स sin 2 थीटा, है ना, आइडेंटिटीज है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपके साइन को क्या होना पड़ेगा, 1। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू अपने पास आएगी बेटा, ये आ जाएगी 1 + 2 जो कि 3 के बराबर होता है, यानी लैम्डा हो गया 3। तो अब पूछ रहा है 3, 1 से कितने टेंजेंट या एसिम्प्टोट बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो पॉइंट देखेंगे कि हाइपरबोला के अंदर है या बाहर है, सेंटर इसका 2, 0 है। तो हाइपरबोला में पावर ऑफ अ पॉइंट नेगेटिव होती है तो बाहर होता है, पॉजिटिव होती है तो अंदर होता है, इसमें उल्टा चलता है। तो 3, 1 इसमें पुट कर दो, 3, 1 पुट करेंगे और राइट साइड का 1 भी इधर ले आएंगे तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब पॉइंट आउटसाइड। अब आउटसाइड में 3 केसेस होते हैं, अगर आपका जो पॉइंट है ये आउटसाइड है और एसिम्प्टोट पे नहीं है तो आप वहां से 2 डिफरेंट टेंजेंट बना सकते हो। अगर आपका पॉइंट आउटसाइड है और एसिम्प्टोट के ऊपर है तो आप 1 टेंजेंट और 1 एसिम्प्टोट बना सकते हो, और अगर आपका पॉइंट आउटसाइड है और दोनों एसिम्प्टोट के इंटरसेक्शन पे, यानी अगर खुद पॉइंट सेंटर ही हो गया तो उसके केस में आप टेंजेंट 1 भी नहीं बना सकते, दोनों एसिम्प्टोट ही बना सकते हो। तो अब इसके केस के अंदर एसिम्प्टोट कैसे निकालेंगे, एसिम्प्टोट होते हैं x/a - y/b = 0 और x/a + y/b = 0। शिफ्टेड है तो हमने भी शिफ्ट कर दिया। अब अगर आप 3, 1 रखोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि अरे ये पॉइंट ऑलरेडी सेंटर तो नहीं है पर एसिम्प्टोट पे लाई कर रहा है, वो भी आउटसाइड। तो इसका मतलब इस केस में आप 1 टेंजेंट बनाओगे और साथ ही साथ 1 एसिम्प्टोट बनाओगे, और एसिम्प्टोट और टेंजेंट अलग अलग चीजें होती हैं। तो अगर एग्जाम में टेंजेंट पूछेंगे तो 1 ही बोलोगे, एसिम्प्टोट पूछेंगे तो 1 ही बोलोगे, ठीक है, दोनों पूछ लें टोटल मिला के बताओ तो 2 हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरिटिकल पॉइंट है, इसमें फंसाया जा सकता है। नेक्स्ट वेक्टर 3D अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लाइंस का अपने पास सवाल आ गया, इसमें बोल रहा है वो सारे पॉइंट्स एक्स वाई जेड विच आर ऑफ द फॉर्म दिस। तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर टाइप की जो वेक्टर फॉर्म होती है। तो जो आपका एक्स वाई जेड है ये आ जाएगा 2 + λ - 2 - 3λ और 5 + 2λ। अब पूछ रहा है ये प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है पी पे, तो आप पॉइंट उठा के क्या करेंगे, प्लेन में रख देंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा तो 2 टाइम्स x, माइनस के अंदर आ जाएगा आपके पास इसके केस के अंदर 3 टाइम्स y, और साथ में आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स करने पर z, और इसकी वैल्यू 163 है। तो अब आप यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे तो 2λ, 9λ और 8λ, ये तो आई थिंक लैम्डा का टर्म आएगा, और 4, 6, 20 ये कॉन्स्टेंट टर्म आएगा। इसको अपन उधर भेज के क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, तो 19λ, 133 आएगा। तो लैम्डा की वैल्यू 7 हो जाएगी, यानी कि ये जो आपका पी पॉइंट है ये लैम्डा 7 रखने पर आ जाएगा 9, और साथ के अंदर हो जाएगा -23, और इधर लैम्डा बराबर अगर अपन 7 रखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 14 + 5 जो कि बराबर होता है 19 के। नेक्स्ट केस के अंदर ये पूछ रहा है कि यही वाली लाइन YZ प्लेन को कब कट करेगी। अब YZ प्लेन का क्या मतलब होता है, YZ प्लेन का मतलब है x координат = 0। तो इसके केस के अंदर अपन क्या करेंगे, x координат जो है 2 + λ इसको 0 कर देंगे, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा -2। तो आप लैम्डा -2 रखेंगे तो आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा, इधर भी -2 रखेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट, और यहाँ भी -2 रखेंगे जेड कोऑर्डिनेट, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये लाइन का स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, बस लाइन की वेक्टर फॉर्म अपन को आनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल का एक वर्जन अपन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं मॉड्यूल 1 में, बट सवाल अच्छा है इसलिए वापस कर रहे हैं। तो बोल रखा है कि ये जो प्लेन है ये इन दोनों प्लेन्स को इंटरसेक्ट करता है। अब अगर प्लेन इंटरसेक्ट करता है तो इसका, अच्छा अब ये प्लेन नहीं है, ये यहाँ पे इनको लाइन लिखना चाहिए था। तो ये लाइन है बेसिकली 3D में जो इन दोनों प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही, तो ए बी क्या हो सकते हैं। तो इस लाइन की पहले अपन पैरामेट्रिक जनरल फॉर्म ले लेंगे, यानी x/1 y/1 = z/1, और इसको ले लेंगे लैम्डा। तो ये आ जाएगा हमारे पास λ, λ, λ। अब ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस पे भी लाई करेगा और इस पे भी लाई करेगा, तभी कर सकता है इंटरसेक्ट। तो पहले वाले प्लेन में पुट कर दो तो ये आ जाएगा b² λ + 2 - 4a × λ + λ = 1। दूसरे वाले प्लेन में पुट कर देंगे तो a² λ + में आ जाएगा 1 - 2b λ, और प्लस में z यहाँ पर भी आ जाएगा λ = -1। तो अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालें, ये आ जाएगी 1/b² + 2 - 4a + 1, और दूसरे केस के अंदर भी अब लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे कॉमन लेके, तो ये आ जाएगी -1/, और इसके केस में आ जाएगा a² + 1 - 2b + 1, और इन दोनों को बराबर कर देंगे क्योंकि लैम्डा दोनों तरफ से सेम ही आ रहा है। तो a² - 2b + 2 बराबर करने पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप एक तरफ लाओगे तो ये 0 हो जाएगा।
और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस फोर ए को आप फोर दे दो इसमें से, जो ये फाइव बन रहा है उसमें से, और बी स्क्वायर माइनस टू बी को वन दे दो, तो दो परफेक्ट स्क्वायर्स का सम जीरो जा रहा है, और ये तभी पॉसिबल है जब ए बराबर टू बी बराबर वन हो जाए। तो अच्छा सवाल है, इंटरसेक्शन पॉइंट के ऐसे सेम सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल सिंपल है, बोल रहा है कि ये वाली जो लाइन है ये इस लोकस को कट कर रही है किसी पॉइंट पे, तो सी क्या होगा। तो अब ये जो है ना, आप ऐसा समझो कि ये एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है किसके अंदर, जेड बराबर जीरो वाले प्लेन में। जेड बराबर जीरो वाला प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन, तो बेसिकली ये आपका 2D ही हो गया कि ये जो आपका एक्स वाई प्लेन है इसके अंदर आपने एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर वाला पैराबोला बना दिया और ये इसको कट कर रहा है। तो अब कट कर रहा है तो पहले पॉइंट निकाल लो। पॉइंट कैसे निकाले सर, क्योंकि जेड जीरो है तो इस पूरे प्लेन में हर एक कोऑर्डिनेट का जेड जो होगा वो जीरो होगा, तो इसका मतलब जेड पे जीरो आ जाएगा, तो -1/-1 आ जाएगा वन के बराबर। अब इसको आप y+1/2 के बराबर भी कर सकते हो और x-2/3 के बराबर भी कर सकते हो, तो यहाँ से आपके पास जो y की वैल्यू है ये 1 आ जाएगी और x की वैल्यू जो है ये 5 आ जाएगी। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये मिल जाएगा 5, 1, 0, जहां पर ये लाइन इस लोकस को, इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को 3D में कट कर रही है। अब सी स्क्वायर निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स इंटू वाई के बराबर सी स्क्वायर है, वहां से सी आ जाएगा। तो ये है बेसिक चीजें, पर ये छोटी छोटी बातें आपको 3D में कोऑर्डिनेट्स में पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसमें बोल रखा है कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब कि जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो जैसे ये वाला वेक्टर जो है ये लाइन जा रही है बी क्रॉस सी वेक्टर के डायरेक्शन, दूसरी वाली लाइन जा रही है सी क्रॉस ए वेक्टर के डायरेक्शन। तो अब यहाँ पर यहाँ कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, मान लो आर वेक्टर यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इस लाइन पर हमें एक पॉइंट पता है कि ये ए वेक्टर जो है वो इस लाइन पे लाया करता है, इसी तरह जो बी वेक्टर होगा वो इस लाइन पे लाया करता है। तो ये एक वेक्टर अगर अपन बना ले बी माइनस ए, तो ये बी माइनस ए वेक्टर इसी प्लेन में हो जाएगा। किस प्लेन में, उसी प्लेन में जिसमें बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए लाए करते हैं। तो मतलब बी माइनस ए वेक्टर, बी क्रॉस सी वेक्टर और सी क्रॉस ए वेक्टर ये कोप्लेनर हो गए, और कभी भी तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं अपन, जीरो के बराबर। तो यहां भी वही करेंगे, बी माइनस ए वेक्टर का डॉट जो आएगा किसके साथ, बी क्रॉस सी क्रॉस ए के साथ, इसको जीरो कर देंगे। तो पहले ट्रिपल प्रोडक्ट खोलो, सी वेक्टर बाहर आ जाएगा, बी क्रॉस सी डॉट ए यहाँ पर बनेगा, तो बी क्रॉस सी डॉट ए को बॉक्स बी सी ए लिख सकते हैं। फिर अगले में ए बाहर आ जाएगा, फिर बी क्रॉस सी डॉट सी बनेगा, बी क्रॉस सी डॉट सी आपका जीरो हो जाएगा। तो ये तो चला गया, अब इसका डॉट कर लेंगे, तो यहाँ से आप देखोगे कि बी डॉट सी माइनस ए डॉट सी बनेगा, ये तो कॉमन आ जाएगा, स्केलर है, और इसकी वैल्यू जो आ रही है ना आपके पास ये जीरो के बराबर आ रही है। मतलब ये तभी पॉसिबल है जब बी डॉट सी किसके बराबर है, ए डॉट सी। तो कोप्लेनर वाली वेक्टर्स की कंडीशन अपन ने 3D में लाइंस में अप्लाई कर दी, तो अच्छा लॉजिकल सवाल था। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, लेंथी है, करना क्या है देखने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है क्यू कोऑर्डिनेट बताओ पी क्यू का, ताकि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए इसके, है ना, और मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू जो है वो किस पे लाए करना चाहिए, इसी प्लेन पे। तो एक तरह से तो ये फुट और इमेज ही हो गया। मतलब जैसे मान लो ये आपका प्लेन है, इसमें तीन पॉइंट है, एक है 2, 1, 0, एक है हमारे पास 5, 0, 1 और एक पॉइंट है हमारे पास 4, 1, 1। तो इसके अंदर बोल रहा है कि पी पॉइंट हमारा है 2, 1, 6, है ना, और पी क्यू जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्यू का कोऑर्डिनेट आपको बताना है और कंडीशन क्या दे रखी है, सच दैट, है ना, क्या दे रखा है, सच दैट वेयर पी दे रखा है इज परपेंडिकुलर टू प्लेन डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स एंड मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू लाइज ऑन इट। मतलब क्यू बेसिकली इसकी इमेज हो जाएगा, पी की इमेज इन दिस प्लेन, तभी पी क्यू का मिड पॉइंट प्लेन पे लाए करेगा और पी क्यू परपेंडिकुलर होगा। तो डायरेक्ट इमेज नहीं बोल के इमेज की डेफिनेशन यूज कर ली। तो प्लेन कैसे निकाल सकते हैं अपन थ्री पॉइंट से, मैं डिटरमिनेंट फॉर्म का यूज कर रहा हूँ, दूसरा भी कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इसके केस में x-x1, y-y1, z-z1। फिर इधर आ जाएगा आपके पास x2-x1, y2-y1, z2-z1। फिर आ जाएगा आपके पास x3-x1, वापस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास y3-y1 और z3-z1। तो यहां से अब अपन क्या कर सकते हैं, इस प्लेन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक्स माइनस टू है, ये -1 × 1 है, इसके अंदर से 1 × 0 हटेगा तो ये आ जाएगा। फिर साइन चेंज आएगा माइनस का वाई माइनस वन के साथ, इसके केस के अंदर क्या होगा आपके पास 3 × 1,
और 3 into 1 के अंदर से हमारे पास यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये है 1, और 4 माइनस 2 जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। तो 1 into 2 इससे सब्ट्रैक्ट हो गया, फाइनली लास्ट में z-0 इसके साथ 3 into 0 आ रहा है, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 into -1। 2 into -1 होता है -2। तो कैलकुलेशन हालांकि मैं चाहूंगा कि आप खुद से एक बार वापस ट्राई करें, है ना, तो कैलकुलेशन एक बार अपन यहाँ दोबारा खुद से ट्राई करेंगे, तो वहां से आपको इसके केस के अंदर जो है प्लेन मिल जाएगा, जो आई थिंक जिसकी इक्वेशन -x - y +2z+3 बराबर आ रही है हमारे पास 0 के। तो ये हमारे पास इसके केस के अंदर इक्वेशन आ गई। अब इमेज का फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लगा रहा, आप मेथड से भी कर सकते हो। तो इसके केस में मैं ले लूंगा x-x1/a जो कि x का कोऑर्डिनेट है, फिर y-y1/b, फिर अपने पास आ जाएगा z-z1 और अपॉन में आ जाएगा c, ये बराबर हो जाएगा -2 टाइम्स, पॉइंट को प्लेन में रख दो तो xyz की जगह रख देंगे 216, तो -2 -1, 2 6 12 + 3, नीचे बिना रूट का a² + b² + c², जैसे 2D में फॉर्मूला है वैसा ही 3D में। अब यहाँ से अगर अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वहां से हमारे पास जो है इसकी इमेज आ जाएगी xyz। तो प्लेन निकालना आना चाहिए, इमेज लेना आना चाहिए, मेंस एडवांस दोनों के लिए काम का है। 99th वाला अच्छा सवाल है, और गलती क्या होती है वो बताता हूँ। बेसिक AMGM से भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर ABC का प्रोडक्ट P के बराबर है और QA बराबर B है। अब बोल रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा पॉइंट ABC का ओरिजिन से, तो ABC का 0 0 0 से डिस्टेंस होगा। तो अक्सर गलती क्या करते हैं कि a² b² c² के सम की मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, तो बच्चे डायरेक्टली क्या करते हैं इसी में AMGM लगा देते हैं कि सर इसमें AMGM लगा देंगे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा a² b² c² का क्यूब रूट, और फिर यहाँ से p उठा के इधर रख देते हैं, फिर 3 इधर ले जाते हैं और c टिक करके आ जाते हैं। पर ये एक और रिलेशन दिया हुआ है ना बेटा, ये तो तब लगाओगे जब a = b = c है, पर उसमें ये थोड़ी सेटिस्फाई होगा। तो आपको 3 वेरिएबल में AMGM लगाना ही नहीं है, आपको 2 वेरिएबल में लगाना है। आप B को AQ से रिप्लेस कर दो, तो B को अगर आप यहाँ AQ से रिप्लेस करोगे तो a² * c * q P के बराबर आएगा। तो ये एक रिलेशन बन गया, a² c = p q। अब जो आपका यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला भी है, ये अब आप किस पे लगाओगे, a² + b² और +c² पे। इस पे आपको यहाँ पर लगाने की जरूरत है, इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, और इसमें भी अलग अलग मत लगाओ, पहले साथ लो। तो ये आएगा a² + q², ये पूरा एक टर्म है, और +c², इस पे AMGM लगाना है। लेकिन जब इस पे AMGM लगाएंगे तो पावर a² c नहीं बनेगी, इसलिए इसके टुकड़े कर दो। टुकड़े मतलब इसको लिख दो a² / 2 1+q², फिर वापस a² / 2 1+q² प्लस में आपके पास c² आ रहा है, अपॉन में आ जाएगा 3, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इसके gm से, gm में ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी a⁴ c² 1+q² / 4 3 रूट ये आ जाएगा हमारे पास। ये डिस्टेंस जो हमें निकालना है, बाद में रूट ले लेंगे तो 2 चला जाएगा, और इसके केस के अंदर हमें a⁴ c² की वैल्यू पता है p/q² होल स्क्वायर, तो वहां से हमारे पास इसकी वैल्यू जो है ये कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये AMGM वाली गलती नहीं करनी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा रिलेशन है, उसको हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा, वरना आंसर में गड़बड़ होगी। 100th क्वेश्चन आज का सबसे ज्यादा लॉजिकल सवाल है, थोड़ा एडवांस्ड भी है, तो देखते हैं। तो बोल रहा है अ वेरिएबल प्लेन कट्स ऑफ इंटरसेप्ट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हिच आर इक्वल टू द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो मतलब अब यह आपकी इक्वेशन है x³ + qx² + 5x - p = 0। तो मान लो इंटरसेप्ट ABC है, तो ये बोल रहा है कि यार हमारा a + b + c ये -q के बराबर होगा, इसी तरह ab + bc + ca ये बराबर होगा 5 के, और a * b * c ये बराबर होगा p के। और प्लेन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में 3D में होती है x/a + y/b + z/c = 1। अब बोल रहा है लोकस बताओ फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो आपने ओरिजिन से गिराया है, और ओरिजिन से किस पे गिराया है, इस प्लेन पे गिरा दिया। मतलब मान लो ये आपका है h, k, यहाँ पे l ले लेता हूँ, बाद में मैं hkl को xyz से रिप्लेस कर दूंगा। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले तो HKL को प्लेन में पुट करेंगे, तो h/a, k/b, l/c इसकी वैल्यू आएगी 1। लेकिन ABC एलिमिनेट करना पड़ेगा, PQ भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो मैं PQ को तो पिक्चर में लेकर ही नहीं आऊंगा, मैं सिर्फ इस एक इक्वेशन का यूज करके ABC एलिमिनेट करूंगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये खुद प्लेन पे लाए कर रहा है xyz HKL जिसका लोकस निकाल रहा है, और क्योंकि प्लेन पे है तो ये जो वेक्टर है आपका hi कैप kj कैप और lk कैप, ये जो होगा ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्लेन के खुद के डायरेक्शन रेशियो के। मतलब h / 1/a
के अपॉन वन बाई बी और एल अपॉन वन बाई सी, ये सब जो होंगे आपके पास इसके केस के अंदर क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। या अगर आप ये अलग अलग नहीं करना चाहो तो उसका भी तरीका है, फिर आपको फुट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फुट का फॉर्मूला आप कैसे लगाएंगे, प्लेन जैसे आपको पता है, तो आप फुट के लिए क्या करेंगे, मान लो एक्स वाई जेड को ही अभी मैं फुट ले रहा हूँ, तो जीरो 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 से फुट गिरा रहा हूँ, तो एक्स माइनस जीरो अपॉन, अब एच के एल वेक्टर जो था, ये वेक्टर अपन ने देख लिया नॉर्मल कह लूंगी, तो यहाँ पर नीचे एल एम एन आ जाता है, तो मैं डायरेक्टली फुट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। आप फुट निकाल भी सकते हैं, फॉर्मूला से बस थोड़ा सा टाइम बचेगा। तो ये आपने फुट का फॉर्मूला लगाया, फिर जीरो 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 आपने प्लेन में रख दिया, और नीचे फिर वन बाई ए का स्क्वायर, वन बाई बी का स्क्वायर, वन बाई सी का स्क्वायर, ये आ गया। तो आपका जो एक्स वाई और जेड है जिससे आपको यहाँ लोकस बनाने की कोशिश करनी है, तो एक्स आ जाएगा माइनस वन बाई ए अपॉन वन बाई ए स्क्वायर, वन बाई बी स्क्वायर, वन बाई सी स्क्वायर। वाई इसी तरह आपके पास आ जाएगा माइनस वन बाई बी अपॉन वन बाई ए स्क्वायर, वन बाई बी स्क्वायर, वन बाई सी स्क्वायर। और फाइनली जेड आ जाएगा माइनस वन बाई सी अपॉन वन बाई ए स्क्वायर, वन बाई बी स्क्वायर, वन बाई सी स्क्वायर। और अब इसको जब आप कैलकुलेट करना चाहेंगे यहाँ से, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए कैसे एलिमिनेट करना है, क्या करना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपने एबीसी रिलेशन बिटवीन द रूट्स लगाया उसका हेल्प ले सकते हो, क्योंकि यहाँ सब जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का सम है। तो मैं भी यहाँ पर एक बार वही करूंगा, आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ले लो, तो ऊपर वन बाई ए स्क्वायर, वन बाई बी स्क्वायर, वन बाई सी स्क्वायर का सम आएगा, नीचे इसी का होल स्क्वायर है, तो कट होके ये बन जाएगा वन अपॉन वन बाई ए स्क्वायर, वन बाई बी स्क्वायर और वन बाई सी स्क्वायर। और इसको मैं अगर इसका होल स्क्वायर ले लूं, क्योंकि ऑप्शंस में इस पे होल स्क्वायर है, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के, एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इसकी हेल्प ले रखी, तो आप भी यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कैलकुलेट करें। तो जब आप एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कैलकुलेट करेंगे, तो आई थिंक ये आपके पास आ जाएगा वन अपॉन ए बी, नीचे वही वन अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, फिर साथ में वन अपॉन बी सी आएगा, और साथ में आपके पास वन अपॉन सी ए आएगा, इस तरह से। तो इसका अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों को आप एलिमिनेट कर सकते हो, एलिमिनेट करने के लिए ये वाला पार्ट जो होगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, आप एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स में आपको दिख रहा है कि भाई ये कट नहीं हो रहा, तो आप उसकी जगह वन बाय एक्स वाई, वन बाय वाई जेड, वन बाय जेड एक्स का सम भी कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये भी आप ट्राई करें, और फिर जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इन दोनों को या फिर इन दोनों को, तो उसके केस में सब कुछ कट जाएगा और आपके पास सिर्फ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचेगा, जिसकी वैल्यू 5 है। अल्टीमेटली कट करने के बाद हम यही चाहते हैं कि ए बी बी सी सी ए बचे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज का ये एक क्वेश्चन आप मुझे कमेंट्स में आंसर देके बताएं, ताकि मुझे पता रहे कि आप पूरा वीडियो फॉलो कर रहे हैं। तो अच्छा सवाल है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग है, अब ये लॉजिक आपको पकड़ना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि ये लाइन जो है ये आइसोसेलस ट्राइंगल बना रही है इन प्लेन्स के साथ, मतलब समझो कि ये दो प्लेन्स हैं, है ना, ये एक प्लेन हो गया, ये भी एक प्लेन हो गया, तो एक इनकी खुद की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी, है ना। तो अब आइसोसेलस का क्या मतलब है कि जैसे लाइन यहाँ आ गई तो ये वाले दोनों इससे बराबर होंगे, आइसोसेलस बन गया, या लाइन यहाँ आ गई तो ये इससे बराबर है, आइसोसेलस बन गया, या एक लाइन इधर आ जाएगी तो यहाँ पर भी आइसोसेलस बना सकती है, या इधर भी आइसोसेलस बना सकती है। पर हम कैसे मेक श्योर करें कि लाइन जो हो वो ऐसे ही कट करेगी कि ये इससे बराबर हो, तो इसके लिए आप आइसोसेलस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। तो उसके केस में यहाँ पर जो एंगल बाइसेक्टर होता है वही परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें क्या होगा कि जब भी आप दो प्लेन्स के लिए, ये 3D प्लेन्स को भी मैंने एक लाइन से रिप्रेजेंट किया है, तो अगर आप यहाँ पर ऐसे इस तरह के मान लो दो प्लेन्स है और आपको एक तीसरी लाइन चाहिए जो आइसोसेलस ट्राइंगल बना रही है, तो प्रॉपर्टी बोलती है कि आप इन प्लेन के एंगल बाइसेक्टर्स ले लो। अगर इन एंगल बाइसेक्टर्स के पैरेलल हुई वो लाइन, जैसे इस एंगल बाइसेक्टर के यहाँ पैरेलल हुई, तो आप देख सकते हो पैरेलल होने से एंगल बराबर और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और ये दोनों साइड बराबर आ जाएगी। तो या तो पहले वाले एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल हो जाए लाइन, या फिर दूसरे वाला एंगल बाइसेक्टर जो है उसके क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो इसलिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे जो कि एक प्लेन आएगा, और इस लाइन को उसके क्या कर देंगे, पैरेलल। अच्छा, अगर किसी प्लेन के लाइन पैरेलल होती है तो उसके परपेंडिकुलर यानी उसके नॉर्मल के साथ जो डॉट होता है वो जीरो होता है, तभी लाइन प्लेन के क्या हो पाती है, पैरेलल। तो आप यहाँ पर नीचे रूट में 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ऐसा लगाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस एक्स प्लस 2y-3z, या नीचे भी √14 आ जाएगा। तो √14 वाला पार्ट तो हो गया कैंसिल। अगर प्लस लेकर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस 6z-1=0, माइनस लेकर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 3y-1=0। तो अगर लाइन इन प्लेन के पैरेलल है
तो उसका डॉट आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल के साथ उसका डॉट जीरो कर सकते हो। जैसे पहले वाले प्लेन का ये नॉर्मल है, 1-1 6, तो लाइन के साथ आप डॉट कर लो K2-1, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, K+2-6=0, है ना। इसी तरह अगर आप दूसरे वाले के साथ करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3K और साथ के अंदर आ जाएगा +6=0। तो K की दो अलग अलग वैल्यूज आ रही है, तो दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते। तो आज वेक्टर 3D के और हाइपरबोला के बहुत ही अच्छे और लॉजिकल सवाल थे, तो वापस दोबारा गो थ्रू करना, दोबारा प्रॉब्लम्स लगाना, और कल हम वापस एक बार एल्जेब्रा पर आ रहे हैं, जिसमें हम कल क्वाड्रेटिक के अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे डे 42 पे। तो अगर आप नए हैं चैनल पे, तो हमने डे 40 तक बहुत रिविजन किया है। प्लेलिस्ट और सेशन की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और सब्सक्राइब जरूर करें। जो पहले से नए सब्सक्राइबर नहीं है, वो कंटिन्यूसली वीडियोस वॉच करते रहें, लाइक करें, कमेंट में बताएं आंसर्स और कितने क्वेश्चन आपने किए, और आपके फ्रेंड्स जो JEE की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। कल मिलेंगे डे 42 पे क्वाड्रेटिक के अच्छे सवालों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।